सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। मैं आभारी हूँ, सुगाता राय जी ने बात कही, मैं इस पे बिल्कुल राजनीतिक उत्तर नहीं देना चाहता था, अभी भी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमने जब अन्न भी केंद्र सरकार ने भेजा, कुछ राज्यों की सरकारों ने यहां तक मन छोटा किया कि उन्होंने उस अन्न की बोरियों पर भी अपनी मुख्यमंत्री की फोटो छापकर, अपने नाम छापकर राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। सर, हमने गरीब के पेट की भूख को देखा, उसके दर्द को समझा, उसके दर्द को दूर करने का काम किया। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकते रहे, ये उनको ही मैं देता हूं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकिए, लेकिन जल्द उसका रिजल्ट भी आने वाला है। दूसरा सर, फिर उसी राज्य के एक माननीय सांसद ने अभी खड़े होकर कहा कि कैश नहीं दिया। सर, इनके जमाने में क्योंकि बैंक खाता नहीं होता था, मनरेगा की योजना को सर शुरुआत में देखिए क्या हुआ, शारदा के खाते पे जाते यार, एक मिनट, शुरू में क्या हुआ, दिहाड़ी लगाते थे, मस्ट्रॉल भरा जाता था, गरीब पसीना बहाता था, लेकिन पैसा उसके हाथ में नहीं जाता था, कौन खाता था सिस्टम में। सर, हमारी सरकार आई, हमने आधार कार्ड बनवाए, जनधन खाता खोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराने का काम शुरू किया, और सर लाखों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार का भी बचाया, तो जिसके हक में पैसा जाना चाहिए था खाते के माध्यम से उसके खाते में डालने का काम भी मोदी सरकार ने किया। ये कैश की बात करते हैं, कट मनी की बात करते हैं, हम ना कैश की बात करते ना कट मनी की बात करते हैं, हम तो अधिकार देने का काम आधार के माध्यम से करते हैं सर। इसलिए मैं एक निवेदन से और कहना चाहता हूं, कैश क्या होता है, जो तोलाबाजी, मैं तो ये कहता हूं सर, जिसके बैंक खाते में बहन के पैसा गया, क्या उसको पैसे की मदद नहीं मिली। सर, जिस किसान के खाते में एक नहीं सर तीन किस्तें, दो दो हजार रुपए की तीन किस्तें, छह छह हजार रुपया गया सर, वो देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के सरकार ने वहां के किसानों के हित को और हक को मारने का काम किया, वरना पश्चिम बंगाल के किसानों को पैसा मिलता। कौन सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले।